जय हिंद इंकलाब जिंदाबाद। आई एम GGWH गौरव। आज हम आप लोगों को दिखाएंगे हम लोग जो गांव का नियरेस्ट मार्केट है वहां पर क्या क्या है, जैसे कि हम किस स्कूल में पढ़े हैं, मेरा स्कूल कहां पर है, फिर हम लोग का नियरेस्ट मार्केट में कहां पर पोस्ट ऑफिस है, कहां पर इलेक्ट्रिक ऑफिस है, कहां पर कॉलेज है, कहां पर मॉल है, सब कुछ हम आप लोग को इस वीडियो में दिखाएंगे। तो पहले मुँह को फ्रेश कर लेते हैं, क्योंकि पहले शेविंग करवा लेते हैं, क्योंकि आज दाढ़ी मूछ पूरा बढ़ गया है फेस पर। नाइस, हम शेविंग करवा लिए और नहा कर फ्रेश हो गए हैं, और अब हम जा रहे हैं मेरे बाबा का गाड़ी लेकर हम लोग गाँव का जो नियरेस्ट मार्केट है बलियापुर। अब बलियापुर में कहाँ क्या क्या है सब कुछ हम आप लोग इस वीडियो में दिखाते हैं। हम लोग गाँव का नियरेस्ट मार्केट बलियापुर पहुँच चुके हैं और स्टार्ट करते हैं इस मॉल से। ये जो मेरे पीछे मॉल देख रहे हैं ये बलियापुर में न्यू बन रहा है, अभी कंस्ट्रक्शन में है बिल्डिंग। और ये बिल्डिंग के आसपास में कैसा माहौल है, मतलब कैसा लुक है आसपास का, वो दिखाते हैं। और ये जो बिल्डिंग में मॉल खुलेगा इसका नाम अभी मतलब 50-50% में सुनने में आया है मेरे को, इसीलिए अभी नाम नहीं बता रहे हैं। जिस टाइम ओपनिंग होगा उस टाइम हम आप लोगों को दिखाएंगे कैसा मॉल का लुकिंग है, फिर कौन सा नाम में ये मॉल खुल रहा है, सब कुछ बताएंगे। तो चलिए अभी आसपास का लोकेशन हम आप लोगों को दिखाते हैं। माई अदर चैनल नेम इज़ नृत्य विद्या मार्शल आर्ट। अगर कोई आप लोगों में से मेरा डांस कराटे का वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, जाकर डांस कराटे का वीडियो देख सकते हैं। अब हम आ चुके हैं हम लोग बलियापुर का सब्जी मार्केट में, और ये है सब्जी मार्केट। और वो जो देख रहे हैं माँ दुर्गा मंदिर, वहाँ पर हम लोग को हर 16 साल बाद एक बार करके पूजा करना पड़ता है, पाँच दिन का, बेलबरन के दिन सप्तमी अष्टमी नवमी दशमी, पांचों दिन पूजा करना पड़ता है हर 16 साल बाद। पहले था कि 4 साल बाद हम लोग पूजा करते थे इस माँ दुर्गा मंदिर में, और इस माँ दुर्गा मंदिर के पीछे माँ काली मंदिर है, वहाँ पर भी हम लोग को 16 साल बाद पूजा करना पड़ता है। मतलब जिस साल माँ दुर्गा का पूजा करते हैं उसी साल माँ काली का भी दिवाली के समय पूजा करना पड़ता है। और पहले था कि 2016 तक हम लोग 4 साल बाद पूजा करते थे, लेकिन 2016 के बाद हम लोग गांव में जो मेरा दादाजी के पापा लोग थे वो लोग डिवाइड हो गए हैं 4 भाई में, इसीलिए 4-4 करके डिवाइड हो गए हैं, तो 16 साल हो गया है, इसीलिए 16 साल बाद हम लोग पूजा करते हैं। और यहाँ पर अभी हम बैल्कोनी में चढ़े हुए हैं, और ये बैल्कोनी है और ये गोदाम जो मेरा दोस्त का कपड़ा का दुकान है, आप लोगों को हम दिखाए हैं वीडियो में, वही कपड़ा दुकान के ऊपर में है और ये गोदाम। बात ये है यहाँ पर अभी कपड़ा नहीं रखा गया है, रूम में रखा गया है इस दुकान में, गोदाम में सभी कपड़ा रखा हुआ है। यहाँ पर अभी साफ़ सुथरा करेगा बोल कर भी इसमें सब कुछ मतलब सब कपड़ा रखा हुआ है। और अभी यहीं से हम ब्लॉगिंग करके आप लोगों को वीडियो के माध्यम से पूरा हम लोग का सब्जी मार्केट का आसपास का नज़ारा हम आप लोगों को दिखाते हैं। बलियापुर में सबसे बड़ा सब्जी मंडी मंगलवार और शनिवार को लगता है, और बृहस्पतिवार को छोटा सा सब्जी मंडी लगता है। एंड माई अदर चैनल नेम इज़ नृत्य विद्या मार्शल आर्ट। अगर कोई आप लोगों में से मेरा डांस कराटे का वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, जाकर डांस कराटे की वीडियो देख सकते हैं। अभी हम जिस बैल्कोनी से हम वीडियो बना रहे थे, मेरे ही दोस्त का ऊपर गोदाम का बैल्कोनी है, वहीं से हम पूरा आप लोगों को हम लोग बलियापुर का सब्जी मार्केट का वीडियो दिखाएं। और ये है मेरा दोस्त का दुकान, अभी कस्टमर को अभी स्वेटर दिखा रहा है। ये जो मेरे पीछे बिल्डिंग देख रहे हैं ये है खान मार्केट, और इस खान मार्केट में पहले सिंधरी पब्लिक स्कूल था, और ये सिंधरी पब्लिक स्कूल क्लास 1 में हम एडमिशन भी हुए थे, आज 2001 का बात कर रहे हैं। और 1 और 2 सिंधरी पब्लिक स्कूल था 2001 और 2, और उसके बाद 2003 में या 4 में वही सिंधरी पब्लिक स्कूल झांकी पब्लिक स्कूल बन गया, और यहां से सिंधरी पब्लिक स्कूल उठ गया और झांकी पब्लिक स्कूल में बस गया। मतलब यहां से जब नाम चेंज कर दिया सिंधरी पब्लिक स्कूल को झांकी पब्लिक स्कूल बनाया गया, तब नया बिल्डिंग नया प्रॉपर्टी बनाकर दूसरे जगह बिल्डिंग को शिफ्ट किया गया है। और यहाँ पर भाड़ा में चल रहा था स्कूल, तो कहाँ पर हम पढ़े भी हैं ये भी आप लोग दिखाएं। यहाँ पर एडमिशन किए थे, यहाँ पर 1-2 साल पढ़े हैं, फिर हम झांकी पब्लिक स्कूल हम लोग का कहाँ पर है
और कहाँ पर पड़े हैं ये भी हम आप लोगों को दिखाते हैं। आज से 10-12 साल पहले हम लोग का गांव का अधिकतर आदमी दुर्गा पूजा का कपड़ा का मार्केटिंग करने के लिए कोई बंगाल जाता था, कोई धनबाद, कोई झरिया, कोई सिंदरी, ये सब जगह जाते थे मार्केटिंग करने के लिए। लेकिन अभी हम लोग का बलियापुर में ही सब कुछ मार्केटिंग हो जाता है। अब हम आ चुके हैं हम लोग का बलियापुर का चौक में, जिसको हम लोग कहते हैं मोड़, बलियापुर मोड़। और ये है बलियापुर मोड़, और बलियापुर का मोड़ का लोकेशन हम आप लोगों को दिखाते हैं। लेकिन इस मोड़ से चार तरफ रोड जा रही है। ये जो रोड जा रही है ये चिरकुंडा की ओर जा रही है, ये जो रोड जा रही है ये गोविंदपुर की ओर जा रही है, और ये जो रोड देख रहे हैं जा रही है ये सिंदरी तरफ जा रही है, और इधर से जो रोड जा रही है यहाँ से रोड जा रही है ये धनबाद की ओर जा रही है। मतलब चार तरफ इस मोड़ से रोड को डिवाइड किया गया है। हर साल रामनवमी के दिन इसी मोड़ में लाठी खेल होता है। एंड माय अदर चैनल नेम इज़ नृत्य विद द मार्शल आर्ट। अगर कोई आप लोगों में से मेरा डांस कराटे का वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर डांस कराटे का वीडियो देख सकते हैं। ये जो मेरा अंगुली का पॉइंट में देख रहे हैं ये है हम लोग का बलियापुर का पोस्ट ऑफिस। जस्ट पोस्ट ऑफिस के अपोजिट साइड में हम लोग का ये जो गेट देख रहे हैं ये है ऑयल मिल। मतलब यहाँ पर ऑयल बनाया जाता है, और यहाँ से बहुत जगह मतलब दुकानों में जाता है, ये फैक्ट्री है ऑयल का। तो चलिए यहाँ का आसपास का नज़ारा कैसा है ये भी दिखाएंगे। और मेरा जो प्यारा गांव हम वीडियो बनाए हैं उस गांव में, हम लोग गांव में किस जगह में पोस्ट ऑफिस है वो भी हम आप लोगों को दिखाने भूल गए हैं, लेकिन वो हम आप लोगों को एक वीडियो में दिखाएंगे। हम लोग गांव का पोस्ट ऑफिस कहाँ पर है, हम लोग के गांव में, हम लोग का मोहल्ला में है हम लोग का पोस्ट ऑफिस, तो किस जगह में है ये भी हम आप लोगों को दिखाएंगे एक वीडियो में। जब हम गवर्नमेंट हाई स्कूल में जॉब करते थे, मतलब प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल बलियापुर में स्पोर्ट टीचर के तौर पर जॉब करते थे, तब इसी रोड से पर वीक 3 दिन आना जाना करते थे। एंड माई अदर चैनल नेम इज़ नृत्य विद द मार्शल आर्ट। अगर कोई आप लोगों में से मेरा डांस कराटे का वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर डांस कराटे का वीडियो देख सकते हैं। ये है मेरा स्कूल, जिस स्कूल में हम पढ़ाई किए हैं। आप लोगों तो बताएं कि सिंदरी पब्लिक स्कूल में हम एडमिशन किए थे, लेकिन सिंदरी पब्लिक स्कूल ही चेंज होकर, मतलब नाम चेंज करके झारखंड पब्लिक स्कूल बनाया गया, तो यही है झारखंड पब्लिक स्कूल। और इसी स्कूल में हम पढ़ाई किए हैं, और इसी स्कूल में मेरे माँ टीचर भी थी आपका 7 से 8 साल तक, उसके बाद छोड़ दी थी, कुछ प्रॉब्लम हुआ था। और हम भी यहाँ पर 1 से लेकर, मतलब यही स्कूल है सिंदरी पब्लिक स्कूल को जब JPS बनाया गया झारखंड पब्लिक स्कूल, एक ही स्कूल है, यही स्कूल में हम क्लास 1 से लेकर 9 तक पढ़ाई किए थे, उसके बाद हम छोड़ दिए थे। मतलब हम क्या, मेरा पूरा क्लास मेट छोड़ दिया था 9 का पढ़ाई करने के बाद, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो गया था। प्रॉब्लम क्या हुआ था ये हम आप लोगों को एक वीडियो में बताएंगे। और हम इस स्कूल में 9 तक काहे पढ़े, और ऐसे में मेरा हम 6 से 7 स्कूल में पढ़ाई किए, उसके बाद हम मैट्रिक दिए हैं। तो किस लिए हम 6 से 7 स्कूल में पढ़ाई किए हैं सब कुछ हम आप लोग को एक वीडियो में बताएंगे। तभी चलिए हम आप लोगों को दिखाते हैं कि ये है मेरा स्कूल का प्रॉपर्टी, और ये है स्कूल का अपना प्रॉपर्टी, ये है बिल्डिंग देख सकते हैं मेरे पीछे में है। और यहाँ पर फ्लैग होस्टिंग होता था जब भी, मतलब 15 अगस्त को और 26 जनवरी को, तब यहाँ पर हम लोग परेड करते थे। आप लोगों को वीडियो का लास्ट में या किसी वीडियो के बीच में आप लोगों को हम फोटो दे देंगे। यहाँ पर हम लोग परेड करते थे 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन, और यहाँ पर हम डांस करते थे जब तब। ये जो जगह देख रहे हैं खाली जगह, ये जगह में मतलब पब्लिक और बच्चे, मतलब जितना स्टूडेंट उस टाइम का था और भी स्कूल का, फिर और भी पब्लिक रोड का पूरा जाम कर देता था, मतलब मेरा डांस देखने के लिए। मतलब हम जब भी डांस करते थे, मतलब ये जो रोड देख रहे हैं ये जाम मिलता था, मतलब उस टाइम पूरा पब्लिक में भरा हुआ रहता था, और यहाँ पर हम डांस करते थे। उसका भी फोटो हम दे देंगे इस वीडियो के बीच में कि देखिएगा हम डांस करते थे और कितना पब्लिक बैठते थे। और यहाँ का जो चेयरमैन है इस स्कूल का, वो है MD रहमान अंसारी, चेयरमैन है झारखंड पब्लिक स्कूल का। और ये बिल्डिंग अभी, इस बिल्डिंग में स्कूल अभी बंद हो चुका है, यही स्कूल अभी, ये तो अभी देख रहे हैं इतना बड़ा है बिल्डिंग, ये अब लमसम लंबाई है आपका
कितना 50 फीट होगा, 50 से 60 फीट या 70 फीट ऐसे ही लमसम। लेकिन इसको अभी इस बिल्डिंग में स्कूल को बंद करके कहीं और बिल्डिंग बनाया गया झारखंड पब्लिक स्कूल का, वो भी मैं आप लोग इस वीडियो में दिखाएंगे। तो यहाँ पर जब भी डांस करते थे, मतलब अभी देख रहे हैं तो याद आ रहा है, जब भी हम इस रोड से हम धनबाद जाते हैं जब भी देखते हैं तो याद आता है। यहाँ पर जब हम 2003-04 में हम डांस करते थे तब यहाँ पर मतलब पब्लिक मेरा डांस देखने के लिए उत्सुक से इतना भीड़ हो जाता था पब्लिक का, कोई बात नहीं। और देखिए यहाँ पर मेरा दोस्त आ गया है। हाय गाइस, हम स्कूल दिखा रहे भाई अपना जो हम लोग पढ़ते थे, हम लोग यहाँ काफी सालों से। और यहाँ पर मेरा डांस, यहाँ डांस लोकेशन था, लोकेशन था। और यहाँ पब्लिक को हम बोल रहे हैं यहाँ पर कि जब भी हम डांस करते थे मतलब ये रोड जाम हो जाता था। वो तो होता था भाई, मतलब पब्लिक देखने के लिए मेरा डांस मतलब दूसरा स्कूल से हो, टीचर हो, जो भी हो, मैंने आ जाता था कहीं भी रहे, चाहे 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो। और हम लोग टीचर्स डे, फिर चिल्ड्रंस डे 15 अगस्त, 26 जनवरी और आपका 25 दिसंबर, ये 5 हम लोग का फिक्स था कि प्रोग्राम होता है। लेकिन 2 प्रोग्राम बाहर में होता था, 3 प्रोग्राम हम लोग का स्कूल के अंदर। बहुत इंजॉय करते थे, बहुत इंजॉय किया, मैंने इतना इंजॉय करते थे। ये मेरा क्लासमेट नहीं है लेकिन एक क्लास जूनियर है, लेकिन मेरा फ्रेंड है। तो बहुत ही आज मज़ा आ रहा है इस जगह में देख रहे ना भाई, आज मुझे वो दिन याद आ रहा है। आज हम भले हम फेमस नहीं बने हैं, ये टूट गया महतो का लिट्टी दुकान, ये महतो का लिट्टी दुकान था, यहाँ पर हम लोग 1 रुपया में खाते थे लिट्टी, बहुत ही मतलब, और उसमें थोड़ा सा छोला दे देता था ना, क्वालिटी था भाई। और यहाँ पर गुप्त का ठेला लगता था, लेकिन वो दिन याद आ रहा है। जानते हो कि डांसर में फेमस नहीं बने, लेकिन 2003-04 में जब 3-04 से जितना दिन हम यहाँ पर स्कूल किए हैं, मतलब यहाँ पर पब्लिक में जाम कर देते थे गाड़ी का, मैंने रोड में पूरा आदमी पब्लिक था और गाड़ी इधर का उधर उधर का रहता था, मैंने जाम हो जाता था गाड़ी में। वो दिन याद आ रहा कि चलो अभी तो सेलिब्रिटी बने नहीं, लेकिन एक ओपन पावर था मेरा। चलो अपना नाम नहीं करना चाहिए, आदमी बोलेगा मतलब जो वीडियो देख रहे आप लोग में से बोलेगा अपना नाम अपने कर रहा, नाम नहीं कर रहे, लेकिन सच्चाई है। अभी हम वीडियो में बता रहे थे आप लोग, चलो भाई, तो नाम नहीं कर रहे हैं। बहुत ही याद आ रहा है इस जगह में, ये मेरा स्टेज था 15 अगस्त और 26 जनवरी का, और बाकी तो मतलब टीचर्स डे, चिल्ड्रन डे और 25 दिसंबर के लिए अंदर में स्टेज बनता था। तो चलिए अभी हम ये स्कूल का आसपास का लोकेशन हम दिखाते हैं कैसा है। झारखंड पब्लिक स्कूल का मेरा डांस प्रोग्राम और परेड प्रोग्राम का फोटो। झारखंड पब्लिक स्कूल का सबसे पहला स्टूडेंट हम लोग का गाँव से हम ही हैं, उसके बाद बहुत सारा स्टूडेंट हम लोग गांव से इस स्कूल में पढ़ाई किया है, और अभी भी हम लोग गांव से बहुत सारे स्टूडेंट इस स्कूल में पढ़ाई कर भी रहा है। और मेरा भाई भी इस स्कूल में पढ़ाई किया है, मतलब मेरा भाई मतलब मेरे बड़े चाचा का लड़का भी इस स्कूल में पढ़ाई किया है। लेकिन जिस समय हम इस स्कूल को छोड़ दिए थे उस समय मेरा भाई भी इस स्कूल को छोड़कर सिंदरी में लाइन्स पब्लिक स्कूल में एडमिशन करवा लिया था, और मेरा माँ भी इस स्कूल से उसी समय टीचरी करना छोड़ दिए थे। हम जिस स्कूल में पढ़ते थे झारखंड पब्लिक स्कूल, इस स्कूल का आसपास का लोकेशन दिखाएं हम। और बात यह है कि जस्ट हम लोग स्कूल के सामने में हम लोग का इलेक्ट्रिक ऑफिस है, यहीं पर हम लोग इलेक्ट्रिक का बिल जमा देते हैं, और कुछ एप्लीकेशन हो या कुछ भी जमा देना होता है, किसी का इलेक्ट्रिक का कुछ प्रॉब्लम होता है तो यहीं पर जमा देते हैं। ये जो ग्रीन कलर का बिल्डिंग देख रहे हैं नीचे में है, 2 बाइक लगा हुआ है, वही वाला है इलेक्ट्रिक ऑफिस। और वहाँ पर देखिए TVS शोरूम है, लेकिन TVS शोरूम पहले हम जहाँ पर हीरो शोरूम है उसके बगल में था, लेकिन उसको अभी जस्ट 2-4 दिन ना 1 महीना हुआ यहाँ पर चेंज कर दिया गया है। अभी भी वहाँ पर है थोड़ा सा ऑफिस लग रहा है, क्योंकि वहाँ पर TVS का शोरूम में कुछ गाड़ी देखते हैं कि शोरूम में गाड़ी है न्यू गाड़ी, लेकिन यहाँ पर भी न्यू शोरूम खोला गया है। मेरे पीछे जो गेट देख रहे हैं ये है हम लोग का बलियापुर ब्लॉक का मेन गेट, ये एक गेट है मेन गेट और एक गेट है वहाँ पर बड़ा सा गेट, जस्ट इसी टाइप का है। बात यह है कि एक एंट्री का गेट है, एक एग्जिट का गेट है, जो हर एक बड़ा गेट है आगे में वो गेट अभी बंद है, किसी कारण में बंद किया होगा, और यही अभी इसी में एंट्री और एग्जिट हो रहा है सभी। और ये ब्लॉक का आसपास में कुछ इस तरह का नज़ारा है, आप लोगों को क्लोज करके भी हम दिखाते हैं कि कैसा है हम लोग का बलियापुर ब्लॉक का आसपास का नज़ारा। हम लोग बलियापुर मार्केट में सब कुछ अवेलेबल मिल जाता है, लेकिन सबसे पहले बलियापुर में हम लोग का एक ही पेट्रोल पंप था, लेकिन अभी बहुत सारा पेट्रोल पंप बलियापुर में खुल चुका है,
एंड माय अदर चैनल नेम इज़ नृत्य विद्या मार्शल आर्ट। अगर कोई आप लोगों में से मेरा डांस कराटे का वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर डांस कराटे का वीडियो देख सकते हैं। अभी हम थे बलियापुर ब्लॉक के गेट के बाहर में और वीडियो करते हुए हम आए बलियापुर ब्लॉक के गेट के अंदर। और ये है हम लोग का बलियापुर ब्लॉक का गेट के अंदर का माहौल, कुछ इस तरह का है। और ये जो वाइट कलर का बिल्डिंग देख रहे हैं, ये न्यू बनाया गया है, ये बिल्डिंग ब्लॉक का ही है। पहले ये जो पीला कलर का येलो कलर का बिल्डिंग देख रहे हैं, यहीं पर वीडियो शायद जो स्टाफ ब्लॉक का सभी बैठते थे। अभी ये बिल्डिंग येलो कलर का बंद हो चुका है, अभी जितना स्टाफ जितना ऑफिस सब ये वाइट वाला बिल्डिंग में ट्रांसफ़र हो चुका है। मेरा अंगुली के पॉइंट में जो बिल्डिंग देख रहे हैं, ये बिल्डिंग है मॉडर्न पब्लिक स्कूल का। और इस स्कूल में भी मेरे माँ टीचर ही की है। पहले झारखंड पब्लिक स्कूल में मेरे माँ 7-8 साल टीचर की है, उसके बाद झारखंड पब्लिक स्कूल छोड़ने के बाद इस मॉडर्न पब्लिक स्कूल में भी 7-8 साल टीचर की है। फिर करोना जब आया था 2020 में, उस टाइम मेरे माँ छोड़ दी थी स्कूल करना, फिर छोड़ दी तो अपने छोड़ दी, मतलब और मन नहीं किया मेरे माँ को टीचर ही करने का। तो ये स्कूल का बच्चे अभी खेल रहे हैं और इस स्कूल का आसपास में कैसा नज़ारा है सब कुछ दिखाएंगे। और आप लोगों को और एक बार बता रहे हैं, मेरा जो 6 स्कूल मिलकर मैट्रिक दिए हैं, मतलब 6 स्कूल पढ़ने के बाद मैट्रिक दिए हैं, किस लिए दिए ये भी हम वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। और मेरे माँ झारखंड पब्लिक स्कूल छोड़कर इसलिए मॉडर्न पब्लिक स्कूल में टीचर ही की, ये भी मैं आप लोगों को बताएंगे। माय अदर चैनल नेम इज़ नृत्य विद्या मार्शल आर्ट। अगर कोई आप लोगों में से मेरा डांस कराटे का वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर डांस कराटे का वीडियो देख सकते हैं। और ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं, ये बाउंड्री, ये है ब्लॉक का बाउंड्री। और ये सब बिल्डिंग ब्लॉक का ही है, ये पुराना बिल्डिंग है ब्लॉक का। और वाइट कलर का जो बिल्डिंग बनाया गया वो है न्यू बिल्डिंग, उसी में अभी सब कुछ काम हो रहा है। और जस्ट ब्लॉक के मैंने बाउंड्री के जस्ट सामने में ही मॉडर्न पब्लिक स्कूल है, जिसमें मेरी माँ भी टीचर की हुई है। ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं मेरे पीछे, ये है झारखंड पब्लिक स्कूल का बिल्डिंग। और जिस स्कूल में हम पढ़े हैं उसी स्कूल का बिल्डिंग है ये। लेकिन हम पढ़ाई किए हैं जिस स्कूल में हम पढ़े हैं झारखंड पब्लिक स्कूल में, वो ये बिल्डिंग नहीं है। जो बिल्डिंग आप लोगों को हम दिखाएं जहाँ पर हम डांस करते थे, वो वाला बिल्डिंग है, उसी स्कूल में हम पढ़े हैं। लेकिन उस बिल्डिंग को बंद करने के बाद यहाँ पर जगह खरीद कर बड़ा सा बिल्डिंग बनाया गया और यहीं पर झारखंड पब्लिक स्कूल को ट्रांसफ़र किया गया है। और वही जो झारखंड पब्लिक स्कूल का चेयरमैन है, वही है चेयरमैन यहाँ पर, अभी भी है। और अभी ये स्कूल का प्रिंसिपल है टिंकू अंसारी, क्योंकि जो रहमान अंसारी का लड़का ही है ये, उसको ही अभी प्रिंसिपल है यहाँ के। मैंने पूरा बिल्डिंग का हो पूरा स्कूल का देखभाल उनका बेटा ही कर रहा है। और जस्ट उसके बगल में ही जस्ट स्कूल का ये रोड है, मेन रोड है ये सिंदरी वाला रोड है, ये जो देख रहे हैं ये सिंदरी वाला बलियापुर सिंदरी वाला रोड है। जस्ट स्कूल के अपोजिट में कृषि विज्ञान कॉलेज है, यहाँ पर साइंस सेंटर है। और यहाँ का आसपास का लोकेशन कैसा है ये हम आप लोगों को दिखाते हैं। हम लोग बलियापुर में 2 ही इंग्लिश मीडियम स्कूल है, एक जिसमें हम पढ़ाई किए हैं झारखंड पब्लिक स्कूल और दूसरा मॉडर्न पब्लिक स्कूल। अब बाकी सब तो बहुत सारा स्कूल है, लेकिन बलियापुर में सबसे बड़ा और इंग्लिश मीडियम में बोला जाए तो मतलब बिल्डिंग में भी बड़ा, तो हम लोग का मतलब मेरा झारखंड पब्लिक स्कूल ही है। एंड माई अदर चैनल नेम इज़ नृत्य विद्या मार्शल आर्ट। अगर कोई आप लोगों में से मेरा डांस कराटे का वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर डांस कराटे का वीडियो देख सकते हैं। और ये जो मेरे पीछे गेट देख रहे हैं, ये है हम लोग का बलियापुर का BBM कॉलेज, ये इंटर और ग्रेजुएशन का कॉलेज है। इस कॉलेज में मेरी माँ 11 मतलब इंटर और ग्रेजुएशन की है। और मेरी माँ स्कूल की है हजारीबाग में, हजारीबाग स्कूल का, जिस स्कूल में मेरी माँ पढ़ी है उसका नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन मेरी माँ इसी कॉलेज से इंटर की है।
और ग्रेजुएशन भी की है। और ये है हम लोग का बलियापुर का BBM कॉलेज, विनोद बिहारी महतो कॉलेज। और यहाँ पर दिसंबर 18 से लेकर दिसंबर 23 या 4 तक पीछे में ग्राउंड है, वहाँ पर मेला लगता है। विनोद बिहारी के शुभ अवसर पर ही वो मेला लगाया जाता है। और इस कॉलेज के आसपास का लोकेशन कुछ इस तरह का है, आप लोगों को क्लोज करके भी हम दिखाते हैं कि कैसा है आसपास का लोकेशन। हम लोग बलियापुर में एक ही कॉलेज है जो अभी हम आप लोगों को वीडियो के माध्यम से दिखा रहे हैं, और ये कॉलेज सबसे पुराना कॉलेज है। एंड माई अदर चैनल नेम इज़ नृत्य विद्या मार्शल आर्ट। अगर कोई आप लोग में से मेरा डांस कराटे का वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, जाकर डांस कराटे का वीडियो देख सकते हैं। अब हम लास्ट में आए हुए हैं हम लोग का बलियापुर का एयरपोर्ट में। और ये जो मेरे पीछे देख रहे हैं ग्राउंड, ये ग्राउंड नहीं है, ये बलियापुर एयरपोर्ट है। और इस एयरपोर्ट में जब हम लोग का सिंदरी का FCI मतलब फर्टिलाइजर चालू था, रनिंग में था, तब यहाँ पर बहुत ऑफिसर बाहर बाहर से आते थे हेलीकॉप्टर में, एरोप्लेन में भी आते थे लग रहा, हमको उतना याद नहीं आ रहा है। मेरे माँ और मेरे बाबा बोल रहे थे पहले, याद नहीं आ रहा है, लेकिन हेलीकॉप्टर से बहुत सारे ऑफिसर आते थे यहाँ पर और सिंदरी फर्टिलाइजर में काम करते थे, फिर हेलीकॉप्टर से चले जाते थे। और एरोप्लेन भी इस एयरपोर्ट में उतरे होंगे हमको लग रहा है। और इस एयरपोर्ट में शत्रुघ्न सिन्हा भी आए हुए हैं। और इस एयरपोर्ट में हम लोग का अभी जो PM है नरेंद्र मोदी जी, वो भी आए हुए हैं 2019 में। और शत्रुघ्न सिन्हा कब आए थे याद नहीं आ रहा है, मतलब कब आए होंगे उतना हमको याद नहीं है और उतना आइडिया भी नहीं कब आए थे, याद नहीं आ रहा माइंड से। मेरे माँ और बाबा बोले थे लेकिन आइडिया नहीं है। लेकिन यहाँ पर शत्रुघ्न सिन्हा आते थे हेलीकॉप्टर से, अपना मतलब शत्रुघ्न सिन्हा का बहन रहती थी सिंदरी में, राखी बंधवाने के लिए आते थे यहाँ पर। और यहाँ का मतलब हम लोग का बलियापुर का मतलब धनबाद झारखंड का बोले तो झारखंड धनबाद और बलियापुर का एयरपोर्ट का कुछ आसपास का नज़ारा कुछ ऐसा है। और जब 2019 में नरेंद्र मोदी जी आए थे तब हेलीपैड भी बनाया गया है बीच में, आप लोगों को दिखाते हैं, क्योंकि ये जो रोड है ये है हम लोग का बलियापुर सिंदरी वाला रोड। और ये जो गाड़ी जा रही है वहाँ से एक रोड जा रहा है, आगे जाके हेलीपैड भी बनाया गया है। आप लोगों को यहाँ का भी लोकेशन दिखाते हैं, रोड साइड का भी, और हेलीपैड में भी जाकर मतलब एयरपोर्ट का बीचों बीच जाकर भी हम आप लोगों को लोकेशन दिखाते हैं कि कैसा है हम लोग का बलियापुर का एयरपोर्ट। जहाँ से गाड़ी निकला, एक बाइक निकला ना, वहाँ से एक रोड है मतलब एयरपोर्ट का बीच में जो हेलीपैड बना है वहाँ जाने के लिए। और ये जो मेरा अंगूली का पॉइंट है, यहाँ से हम लोग का बलियापुर का एयरपोर्ट का फ्रंट स्टार्ट होता है और यहाँ से सीधे फ्रंट जा रहा है। ये है हम लोग का बलियापुर एयरपोर्ट का नज़ारा। और ये एयरपोर्ट का फ्रंट आपका, ये जो अंगुली का पॉइंट देख रहे हैं यहाँ पर भी एक रोड जा रहा है अंदर तरफ हेलीपैड की ओर, यहाँ तक एयरपोर्ट का फ्रंट है। और ये है कुछ लोकेशन एयरपोर्ट का आसपास का, यहाँ पर एक रोड जा रहा है। और यह है लोकेशन कुछ, ये मेरा बाबा का गाड़ी खड़ा है। और यहाँ से जैसे हम बताएं कि आपका एक एयरपोर्ट का बीच में जो हेलीपैड बना गया है वहाँ जाने का रास्ता है, उसी तरह ये साइड में भी एक रोड है जाने के लिए, वो बागमारा की ओर जा रही है रोड। अभी हम एयरपोर्ट के बीचों बीच में बाइक चला रहे हैं। एंड माई अदर चैनल नेम इज़ नृत्य विद्या मार्शल आर्ट। अगर कोई आप लोग में से मेरा डांस कराटे का वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, जाकर डांस कराटे का वीडियो देख सकते हैं। अब हम आ चुके हैं हम लोग बलियापुर का एयरपोर्ट का बीचों बीच में। और अभी हम हैं मेन रोड से एयरपोर्ट, जहाँ पर अभी हम खड़े हैं बीचों बीच, मतलब मेन रोड से 300 से 400 फीट अंदर में है, मतलब ये है एयरपोर्ट का बीचों बीच। और ये है हेलीपैड, देख सकते हैं, ये एक हेलीपैड है और एक हेलीपैड है वहाँ पर।
दो हेलीपैड है, और दो हेलीपैड इसलिए बनाया गया था कि एक में पीएम आए थे और एक में सीएम आए थे। 2019 में हम लोग का सीएम थे रघुवर दास, और यहाँ पर देख सकते हैं मेरा दोस्त आ चुके हैं, मतलब मेरा दोस्त का बाइक लेकर, जो डांसर सनातन है उसका बाइक लेकर, और मेरा डांसर सनातन की फोर व्हीलर में आ रहे हैं हीरो के माफिक। अभी वो हीरो है हाँ, और हम लोग जीरो हैं ना, हम लोग जीरो हैं, क्या करें। जीरो का मतलब क्या बोलते हैं, मूल्य बहुत होता है लेकिन आदमी मानता नहीं है ना। ये रहा मेरा दोस्त, अभी मतलब जो न्यू कार लिए हैं मेरे दोस्त, वो अभी हाथ बैठा रहे हैं और अभी उतरेंगे। बंदे नहीं कर पा रहा गाड़ी तो क्या हाथ हाथ चल ही करेगा, मतलब बैठाएगा गाड़ी, इतना देर हो रहा है। एट हीरो का माफी का उतर रहा है, हीरो आ रहा है, हीरो आ रहा है ना, पूरा मौज मस्ती के साथ। मतलब ये यहाँ पर का दिन याद आ रहा है, यहाँ पर डांस शूट किए थे और आज आ रहा है, मतलब आज 2 साल पहले यहाँ पर एक डांस शूट किए थे, और वो कौन सा गाना सॉन्ग था जी, आने से उसका, आने से आप तो आने से हगल वाला मैंने हगते रहेगा साला जी, वो वाला नहीं जी, वही तो था, नहीं जी वो नहीं था, रुके गांठ हम भी याद आने। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, इसी हेलीपैड में हम डांस का वीडियो शूट किए थे, ये कैमरा पकड़े थे हाँ। और आज यहाँ पर दो बाइक वही है, वही दो बाइक है यहाँ पर, उनका भी बाइक है लेकिन इसमें अभी एक्स्ट्रा हो गया है, इंक्लूड हो गया है ये हमारी कार, और वो दोस्त भी अभी मतलब यही दोस्त इनको अभी सिखा रहे हैं कि किस तरह से, हमारे ट्रेनिंग मास्टर, ट्रेनिंग मास्टर है। तो चलिए अभी हम तो बीचों बीच आ चुके हैं, अभी यहाँ का भी लोकेशन हल्का फुल्का आप लोगों को दिखाते हैं कैसा है हम लोग का एयरपोर्ट का बीचों बीच। बलियापुर का सब कुछ हम आप लोगों को वीडियो के माध्यम से दिखा चुके हैं, और अगर कुछ छूट भी गया होगा बलियापुर में तो कभी ना कभी आप लोगों को वीडियो के माध्यम से दिखा देंगे। हम लोग बलियापुर का एयरपोर्ट का बीच का लोकेशन हम आप लोगों को दिखाए हैं, और सॉरी एक चीज़ हम आप लोगों को गलती बोलते हैं, यहाँ पर दो हेलीपैड नहीं, तीन हेलीपैड है, एक दो और एक आगे में है, अभी भी तीन है, तीन है, तीन है, अभी नहीं हेलीकॉप्टर दो है, एक दो तीन, और ये एरोप्लेन है, एरोप्लेन है, दो हेलीकॉप्टर बताया जा रहा है और एक एरोप्लेन बताया जा रहा है। घर हम पहुँच चुके हैं, और आप लोगों को हम लोग गांव का नियरेस्ट मार्केट जहां पर है, मार्केट के आसपास में कहां पर क्या क्या है सब कुछ हम आप लोगों को दिखाएं इस वीडियो में। सो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, तो कमेंट करके बताइए कैसा लगा, और जो जो न्यू है इस चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी मैं अपलोड करूँ न्यू वीडियो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, और एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, नेक्स्ट वीडियो मिलते तब तक के लिए बाय बाय, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।